तो आ गए आप, स्वागत है आप सभी का हमारे माइटी फिनिश गेमिंग चैलेंज में। और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट के दी ग्रीन रूम एसएमबी में। और इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना स्टार्टर बेस और कुछ डायमंड गियर भी ऑप्टेन करेंगे, और उसके साथ बहुत एक्सप्लोर भी करेंगे, मतलब चारों तरफ की एरिया का कुछ देखना चाहता हूँ कि कुछ मिले या ना मिले, मतलब मुझे जानना ही चारों तरफ क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो को आज शुरू करते हैं हमारी बेस मेकिंग से, मतलब बेस बनाने से, क्योंकि इसी का तो प्लान है। तो इस बेस के लिए मेरा एक फाउंटेन टाइप का विच हट बनाने का प्लान है, मतलब एक विच हट होगा जिसके ऊपर से फाउंटेन आएगा, ठीक है। ये मेरा मतलब ये मेरा प्लान है, और इसको थोड़ा बदल भी सकता हूँ, आगे डिज़ाइन भी कुछ पसंद आया, कुछ डिफरेंट करना चाहा तो वो भी किया जा सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या करने वाला हूँ, मगर कुछ ना कुछ तो करूँगा जो कि मुझे पसंद आएगा। सो पहले मैं इसके चारों तरफ एक रूफ बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद एक फ्लोर, मतलब उसे क्या कहते हैं, फ्लोर, हाँ फ्लोर को, फ्लोर तो नीचे वाले को कहते हैं, ऊपर को क्या कहते हैं, सीलिंग, सीलिंग को, मतलब सीलिंग को डिज़ाइन बनाना है, और एक छोटा सा बैल्कनी बनाना है। और ये हमारा मतलब कंप्लीट बेस नहीं होने वाला, ये हमारा सिर्फ एक स्टार्टर बेस होने वाला है। और ये स्टार्टर बेस आप सभी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मतलब स्टार्टर बेस सभी का एक होना चाहिए छोटा सा। और ये मेरा मतलब ये मेरा दिमाग का डिज़ाइन है, ये मेरा खुद का डिज़ाइन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको भी वही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। आप खुद जाके अपना डिज़ाइन बनाओ, अपने तरीके से, अपने मतलब क्या बोले उसको, अपने तरीके से अपने वर्ल्ड को सजाओ, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। ये एक आइडिया है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये मेरा आइडिया है। और मैं एक ऊपर इस मतलब एक ओक लॉक का एक एरिया बनाना चाहता हूँ, मतलब एक ओक लॉक का रिंग जैसा कि नीचे बनाया था वैसा ही एक ऊपर बनाना चाहता हूँ। और इसके हाँ इसके लिए मैं इसी तरफ ये जो सर्कल है वो मोड़ना चाहता हूँ, ताकि लगे कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है और ये ऊपर। तो जंप कट हमने कर दिया है जगह का, क्योंकि एक ही चीज़ बर्बाद दिखाने का क्या मतलब है। तो ऐसा ही हमारा प्लान है, थोड़ा सा ऊंचा बनाना घर, क्योंकि मुझे छोटा घर बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब 3 ब्लॉक इनाफ होता है सभी के लिए, मगर मुझे 3 ब्लॉक्स का घर पसंद नहीं। मुझे एटलीस्ट मैं 5 ब्लॉक का हाइट तो बनाता ही हूँ, उससे ऊपर चाहता हूँ तो नीचे का नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि वो मतलब हर बार मेरा सर दीवार पर लगता रहे। तो यही जो मेरा सजेशन है। और अब मैं ऊपर का सीलिंग इधर से बनाऊंगा, मतलब पहले इस रू पहले सीलिंग को कवर कर लूँ, मगर ये मेरा फिनिशिंग टच नहीं है, मैं सीलिंग को कवर करना चाहता हूँ। और वो देखो हीरो ब्राइंड, वैसे ये हीरो ब्राइंड नहीं है, ये जोम्बी है टेक्सचर्ड और कुछ नहीं। तो हाँ, तो जो जो लोग नए हैं उन सभी के लिए मैं बता दूँ कि ये माइनक्राफ्ट का एक SMP सर्वर है, और इस सर्वर में बहुत सारे चीज़ें दिखना अलग है, मतलब ये सारी चीज़ें रिटेक्सचर्ड किया गया है, जैसे कि क्रीपर मिस्टर ग्रीन नाम का एक यूट्यूबर का जैसा दिखता है, और आपको हीरो ब्राइंड जैसा ज़ॉम्बी मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्पाइडर आपको ग्रीन रंग का मिलेगा। वो देखो क्राफ्टिंग टेबल है जो कि ग्रीन रंग का है, वैसे ग्रीन कलर का क्राफ्टिंग टेबल नहीं होता मगर है वैसा, ठीक है। और इस वाले बिल्ड के लिए हमें सोल सैंड चाहिए होगा, जिसके लिए हमें नेदर जाना पड़ेगा, और हमने इधर पहले से नेदर जाने का एक कोऑर्डिनेट्स मांग रखा था, मतलब किसी के पास नेदर पोर्टल होगा तो मैंने उससे मांगा था, और एक ने जवाब दिया कि हाँ है मुझे, और वहीं पर मैं जाऊँगा। तो उसी को ही लिख रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो टू द नेदर, मतलब कि मैं सिर्फ एक बार नेदर जाना चाहता हूँ। मेरा खुद का अभी तक नेदर पोर्टल नहीं है, मगर जल्दी क्राफ्ट कर लूँगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं इतनी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए। मतलब जो लोग पहले से जानते हैं गेम को उसके लिए तो कोई बात नहीं, मगर मैं थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए लोग तक इससे कुछ सीख सके। सो इसके लिए मैंने बताया, मगर पहले जाने से पहले मैं ये वॉल क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये रूफ़ मैं फिनिश कर लेना चाहता हूँ ताकि काम हो जाए। उसके बाद रूफ़ के ऊपर डिटेलिंग भी करना है, मगर ये सिर्फ एक फ़िलहाल के लिए एक बॉक्स तो क्रिएट हो जाएगा जिससे कि मैं ना जाऊँ। तो
मैंने वॉल फिनिश कर लिया है ऑलमोस्ट रूफ, और अब मुझे नेदर पोर्टल मिल चुका है और उधर मैं जा रहा हूँ। और नेदर में जाके नेदर से मुझे साउल सैंड, और साउल नहीं उसे सोल कहते हैं, मैं क्यों रॉन्ग स्पेल करता हूँ मुझे पता नहीं, मगर ठीक है जो भी है, एक सोल सैंड और एक मैग्मा ब्लॉक चाहिए, क्योंकि सोल सैंड्स के अगर ऊपर आप वाटर सोर्स ब्लॉक रख दो, मतलब सोल सैंड के ऊपर एक वाटर सोर्स ब्लॉक का लेयर करते करते जाओ, तो आपका एक बबल एलिवेटर क्रिएट होगा जो आपको ऊपर ले जाएगा। और मैग्मा क्यूब के मतलब अगर मैग्मा क्यूब को सेमी सिस्टम में अगर आप एक मतलब वाटर सोर्स ब्लॉक देते देते जाओ, तो आपके लिए वो एक डाउनवर्ड्स एलिवेटर क्रिएट कर देगा, मतलब एक आपको ऊपर भेज देगा और एक आपको नीचे। बहुत लोगों को शायद मेरा ये बात है समझ नहीं आएगी, मगर जब भी बनाऊंगा समझ आ जाएगा आपको। तो तब तक मैं देख ले रहे हैं, अपने नेदर में आ चुके हैं हम, और ये है सामने ही हमें दिख रहा है सोल सैंड्स, जो जिससे हमें सिर्फ एक चाहिए, मगर हम थोड़ी बहुत ले लेंगे। और ये है नेदर, जिन जिन लोगों ने नेदर मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं देखा, एक्चुअल में नहीं देखा, तो देख ले। और अगर आपको नेदर के बारे में और भी कुछ जानना है, तो आप मेरा स्काई ब्लॉक का सीरीज़ देख सकते हैं, उधर भी हमने एक बार नेदर गए थे, और उधर नेदर बहुत ही कूल लगता था, मतलब उस टेक्सचर पैक के साथ नेदर को क्या ही कहना। वैसे नेदर वैसे आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के मतलब आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के गेम प्ले को चेंज करने के लिए बहुत सारे टेक्सचर पैक आजकल मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, जो कि आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना देगा। उनमें से कुछ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मतलब उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है मॉड शोकेस कह के, मतलब कुछ शायद मैंने करीब इससे 5 या 4 वीडियो पहले छोड़ा होगा, या फिर कभी लिखा होगा मॉड शोकेस या फिर एडवांस कल टॉप फाइनर्स, आप जाके उधर यूज़ भी कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे मॉड्स है उधर, जो कि आपके सर्वाइवल वर्ल्ड के गेम प्ले को बहुत ही अच्छा बना देगा, ईजी बना देगा। मतलब ये सब उन प्लेयर्स के लिए जो कि पहले ज्वाइन करते हैं, उन सभी के लिए ये सब एडवांस मैंने रिकमेंड किया है, क्योंकि अगर आप पहले वर्ल्ड में आते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता खेलने का, मगर आपको गियर भी चाहिए होता है, तो आपके वर्ल्ड को थोड़ा इजी बना देगा खेलने के लिए। सो मेक श्योर आप जाकर चेक कर लेना एडवांस, आपके लिए ही अच्छा होगा। और ये गास्ट मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा मुझे क्या पता, मतलब इस गास्ट को मुझसे क्या दुश्मनी है कौन ही बता सकता है। छोड़ो, और ये देखो मतलब बार बार लगातार मतलब मारे जा रहा है सच में, और ये सोल सैंड भी मुझे जल्दी जाने के लिए हेल्प भी नहीं कर रहा, मतलब क्या ही बोले। ये देखो आप घास से तो छुटकारा मिला था, तभी स्केलेटन्स ने अटैक करना चालू कर दिया, मतलब ज़िंदगी नरक बना के रखा है इन दोनों ने। मुझे थोड़ी समस्या से निपटने दो, ठीक है। फिलहाल एक चारों तरफ एक छोटा सा घर जैसा बना लेता हूँ, ताकि जल्दी से इधर खा के हील कर पाऊँ, ठीक है। हम उधर सर्वाइव तो नहीं कर पाए, मगर हमें मिस्टर ग्रीन और एक बंद मिस्टर ग्रीन और डैब वाई आई प्ले नाम के एक दोनों बंदे ने, मतलब मिस्टर ग्रीन को आपको पता ही होगा मिस्टर ग्रीन कौन है, और मैं कभी कभी ऐसे क्यों जल्दीबाजी में बक दे लेता हूँ मुझे पता नहीं, जो भी हो मिस्टर ग्रीन और डैब वाई आई प्ले ने हमें एक एक करके फायर रेजिस्टेंस पोर्शन दिया है, जो कि हमारा बहुत मददगार होगा हमारे लिए, क्योंकि नेदर में तो लिटरली चारों तरफ फायर ही है, और एक नेदर के लिए फायर रेजिस्टेंस पोर्शन होना तो बहुत ही बढ़िया है, और इसी वजह से उनके वजह से हमें बहुत हेल्प मिला है। और अब हमें जाके हमारा जो सामान है उसे रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद सारा सामान तो गायब हो जाता है, पर क्योंकि हम इस सर्वर में हैं, तो इस सर्वर में एक चीज़ है, मतलब अगर आप ये देखो एक स्केलेटन ने मुझे गिरा दिया, तो जो कि मैं कह रहा था कि और ये गास्ट वहाँ से हम पर हमला भी करे जा रहा है, मतलब दुनिया हमारे खिलाफ ही है और हम सिर्फ साथी हैं। तो गाइस हमने गास्ट को मार के दिया और हमने अपना ग्रेव भी ले लिया, तो इधर जो मैं कह रहा था तब कहना नहीं पाया कि इधर एक और ये मैग्मा क्यूब है, ये मैग्मा क्यूब नहीं है, मैग्मा क्यूब एक एंटिटी का नाम है, ये मैग्मा ब्लॉक्स है। जो भी मैं कह रहा था कि इधर एक एडॉन यूज़ हुआ है जिसका नाम है ग्रेव एडॉन, जो कि आप अगर मर जाते हो किसी भी तरह से कैसे, तो उसके बाद आपका एक मतलब लाश उधर क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आपका सारा आइटम खो ना जाए। ये भी एक एडॉन है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें खो ना जाए और चारों तरफ बिखर ना जाए, ताकि आप इधर सर्वर में लैग ना हो, समझे।
और इधर मैं दो गाच के साथ डॉज बॉल खेल रहा हूँ। एक गाच ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं पाया, इसको इसने भी कोशिश की। मतलब डॉज बॉल में मज़ा आ रहा है, पहले ये तो पहले ये, मगर ये दोनों ही, ये देखो इसने खुद का ही बंदे को मार दिया, ये आउट है इसका मेरा एक पॉइंट। और ये इसे इसने भी मुझे मार नहीं पाया, मैं भी इन दोनों को हिट नहीं कर पाया। अब देखते खेला खेला इंटरेस्ट हो चुका है, मेरे पास भी कम हेल्थ पॉइंट, मेरे पास भी कम पॉइंट, उसके पास भी कम पॉइंट, ये दोनों तरीके से मुझे अटैक करने की कोशिश कर रही है। मगर मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी छोड़ने नहीं वाला, मैं भी बार बार बचते जा रहा हूँ, मगर फिर भी ये लोग मुझे छोड़े ही जा रहे हैं। इन दोनों ने अपना टैक्टिक्स यूज़ किया, मगर मुझे फिर से मारने की कोशिश की और मैं बहुत बढ़िया तरीके से बच गया। और मुझे इन्होंने एक फ्री ब्लॉक दिया, मगर फिर भी मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बचूंगा। रुक जाओ, पहले थोड़ा एक सभी को बता दूँ कि इधर वॉलीबॉल मैच तो डॉज बॉल मैच चल रहा है ताकि सब आके देख सके। और ये गास्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, छोड़ो वो सब लोग समझ जाएंगे। मुझे फिर से नहीं वापस जाकर फिर से नहीं इसे इरेज करना, इधर बाद में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, छोड़ो। हाँ तो इधर एक टाइम आउट था, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है। अब एक टाइम आउट के बाद मैं फिर से लौट चुका हूँ और ये गास्ट मुझे इधर दोनों एक साइड में हो चुके हैं और एक ही साइड से मुझे अटैक करने की कोशिश, और मैंने एक को हरा दिया। और अब एक और की बारी जो कि मुझे अटैक करने की कोशिश कर एक साइड से, मगर उसने मुझे छोड़ दिया और एक को मार खाते देख के वो डर के भाग गया और ये मैं जीत गया वॉलीबॉल ऑफ द गास्ट। देखा मतलब गास्ट लोग भी मुझसे बॉल खेलने से डरते हैं, वो बंदा है तुम्हारा भाई। तो चलो अब हमें नेदर पोर्टल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमने हमारा ज़रूरी चीज़ें जुगाड़ कर लिए, अब हमें घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो घर जाके मिलते हैं। तो हम घर आ चुके हैं और घर आते ही ये ड्राउन मेरे घर आने की खुशी में नाचने भी लग गया क्योंकि इस ड्राउन को मेरा घर आना बहुत पसंद है, मगर मुझे इसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए तू यहाँ से भाग। और ये है सोल सैंड जिसे हमने प्लेस कर दिया, और इसका काम देख रहे हो ये ऊपर जैसे बबल्स छोड़ रहे हैं, इस बबल्स के ऊपर अगर आप खड़ा हो जाओ तो आप ऊपर जा सकते हो। और ये डांस फिर से नाचने क्यों लगा, मुझे तुम्हारा डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे डांस के लिए तुम्हें सी पैसे देता हूँ। क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हारी इतनी ज़रूरत? देख तुमने मुझे डांस दिखाया इसलिए तुझे एक बार छोड़ दिया, अगर तुम्हारा देख तेरा डांस मुझे एक साइड के लिए भी अच्छा लगा था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ही अच्छा लगा था इसलिए छोड़ रहा हूँ, मगर फिर से अटैक किया। देख मुझे गुस्सा मत दिला, ठीक है। अब अगर मैं सच में अटैक करने में आ गया तू मर जाएगा, तुझे देखता हूँ, बहुत बहुत सह लिया तुझे, जा चल भग, बार बार मेरा इंसल्ट करता है, भग भग यहाँ से भग। अरे आए थे मुझे मारने, इन्हें लगता है कि मुझे मार पाएंगे ये सब, इन बच्चों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ज़्यादा अच्छा समझते हैं मुझे। सो गाइज देख ही लिया आपने कि मैंने इस ड्राउन का क्या हाल किया, मतलब आप सभी को पता है कि हम कितने प्रो प्लेयर हैं, हम पीवीपी नहीं लड़ सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम पीवीपी नहीं लड़ सकते, हम पीवीपी लड़ना नहीं चाहते कि ताकि दूसरे प्लेयर को मतलब दूसरे प्लेयर्स की मेंटेलिटी को हर्ट ना हो, क्योंकि वो रोने ना लग जाए कि मैंने इस बंदे से पीवीपी हार चुका हूँ, मैं इस बंदे से पीवीपी हार चुका हूँ, ऐसा कह के उनके लिए भी दुखजनक होगा और मेरे लिए भी। सो और हाँ ये देखो हमें ये पूरा ब्लॉक ऊपर नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि ये सारा ब्लॉक वाटर सोर्स ब्लॉक नहीं है, सिर्फ वाटर ब्लॉक से, इसीलिए तो हमें पहले इस सारे जगह को वाटर सोर्स ब्लॉक से कवर करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया मतलब बहुत बड़ा सिर दर्द होने वाला है, मगर करना तो पड़ेगा क्योंकि यही जो हमारा काम है। सबसे पहले जैसे चारों तरफ इसे घेर देते हैं और अब इसे ऊपर का माइन कर देते हैं। अब देखो ये देखो इधर, अब हमें हर जगह वाटर प्लेस करते जाना होगा, जैसे कि रुक जाओ मैं तुम्हें समझने लगा था, पहले थोड़ा खुद ही एडजस्ट हो जाओ। अब ये देखो ये ब्लॉक मैंने माइन कर दिया, मतलब इधर एक वाटर सोर्स ब्लॉक नहीं है तो ये मुझे पूरा नहीं उठा रहा, तो एक बकेट ऑफ वाटर लिया और ठीक उसी ब्लॉक में प्लेस करते हैं। देखो एक ब्लॉक ऊपर उठने लगा मैं, मगर फिर से ये ब्लॉक वाटर, ये ऊपर वाला ब्लॉक सोर्स ऑफ वाटर है, वो देखो वो उतने तक बबल आ रहा है, मतलब उतने तक का सोर्स ऑफ वाटर है और उससे पहले तक वाटर सोर्स नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा ऊपर तक उन्होंने नहीं ले जा पाया। मतलब वाटर सोर्स ब्लॉक वही होता है जिससे वाटर पैदा होता है, ठीक है। एक वाटर का बहना होता है और एक वाटर का मतलब केंद्र होता है, उस केंद्र को वाटर सोर्स कहते हैं, ठीक है। और हर ब्लॉक को ऐसा होना पड़ेगा, तो मैं मुश्किल करके ये जगह बना लेता हूँ क्योंकि
ये जगह बनाने में मुझे वक्त लगा। ये देखो जब भी मैंने इधर सोर्स ब्लॉक प्लेस किया तभी मैं नीचे आया, और अब देखो मैं पूरा अब ऊपर चला जाऊँगा कैसे, समझ रहे हो मैंने क्या किया। वैसे ही वाटर एलिवेटर काम करता है। ये देखो समझ गए ना, जब भी मैं सारे ब्लॉक को वाटर सोर्स में मतलब बदल रहा हूँ तभी मैं ऊपर जाना कोशिश चालू करता हूँ। तो मैं ये जगह बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस, हमारा वाटर एलिवेटर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देखते हैं, हम ऊपर अंदर जाते ही हमने ऊपर चलाया। अब हमें थोड़ी माइनिंग पे और वुड कटिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का काम अभी भी बाकी है। तो थोड़े माइनिंग और वुड कटिंग के बाद आता हूँ, और माइनिंग थोड़ा ऑफ कैमरा करता हूँ, क्योंकि माइनिंग का अगर मैं रिकॉर्ड करने लग गया तो मेरा स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, और मेरा गरीब के फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं आता है। तो इसीलिए सॉरी, मगर ये सर्वर है इसीलिए मैं तो चीटिंग तो नहीं कर पाऊँगा, मतलब क्रिएटिव में जाना। तो तुम्हें इतना तो यकीन होगा कि मैं ऑफ कैमरा माइंड लेजिट करूँगा। तो फिर चलो माइनिंग पे चलता हूँ, और माइनिंग से आके तुम्हें रिकॉर्ड में दिखाता हूँ। तो गाइस, मुझे मैं माइनिंग से बैक कराया और मुझे कुछ डायमंड मिला, और इस वाले जनरेशन में मतलब क्या ही बोलो, डायमंड जनरेशन बहुत ही अच्छा हो चुका है। आप अगर केव्स एंड क्लिप्स इनेबल करके खेलते हैं ना, और अगर आप एक बार केव्स में जाते हैं तो आपको डायमंड का भरपूर हो जाएगा। मतलब मुझे मैं लगभग 1 स्टैक डायमंड मुझे मिला था, मगर मैंने
सारा माइंड नहीं किया, कुछ रहने दिया, क्योंकि अगर जब मेरा मतलब पिकेक्स में फॉर्चून इंचेंट होगा तब मैं माइंड करूँगा। मतलब बहुत सारे वेंस उधर पड़े हुए हैं माइंड बिना माइंड किए, तो जब भी मुझे फॉर्चून पिकेक्स मिल जाएगा तभी मैं उधर माइंड करने जाऊँगा। तो आप रूफ़ के काम के लिए लग जाते हैं, ठीक है। सो हमने रूफ़ बनाना स्टार्ट कर लिया है, और मतलब मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद ही, तो अब हम रूफ़ बनाते हैं, पूरा रूफ़ जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। मतलब जल्दी बना करते करते, और मैं जब तक तो रूफ़ बना रहा हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही अच्छे अच्छे और भी वीडियो आता रहेगा, और आप तो ज़रूर मिस नहीं करना चाहेंगे। मतलब फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा प्लान किया है, एक ब्लेस फार्म बनाना, एक आयरन फार्म बनाना, और कि और भी बहुत बहुत सारे चीज़ें जो कि मतलब मेरा फ्यूचर प्लान है, और इसमें बहुत सारे शॉप्स भी हम लाने वाले हैं जिससे कि हमारा डायमंड स्टॉक्स और भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बढ़िया, तो हमारा सारा चीज़ें हो चुका है, मतलब हमने सारे रूफ बना दे चुके हैं, और आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो दोबारा से कर लो। और अब मैं इधर से एक स्पाइरल वे में एक मतलब एक ऊपर जाने का सीढ़ी बनाना चाहता हूँ, मतलब हर कॉर्नर एक ब्लॉक कॉर्नर पे और एक ब्लॉक ऊपर पे, मतलब इस पैटर्न में, समझ रहे हो ना, इस पैटर्न में कॉर्नर की तरफ ऊपर जाता जाएगा, ऐसा ही चारों तरफ से मेरा बनाने का प्लान है, और ये जाके ऊपर मीट होगा। सो ऐसे में इस पर एक मंदिर जैसा, मतलब एक हर मंदिर का सिर जैसा, मतलब मंदिर का सिर क्या कहते हैं उसे, मंदिर के रूफ ना सीलिंग, मंदिर के सीलिंग जैसा एक फीलिंग आएगा, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। और अगर इसके बीच से मैं फाउंटेन को निकल पाया ना, तो मतलब इससे कूल और कुछ नहीं हो सकेगा। सो मैं जल्दी से ये चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है, करने के बाद मिलता हूँ। तो हमारा रूफिंग हो चुका है, और हमने ऊपर दो आयरन बार भी लगा दिया है। अब इस दो बार से मतलब जैसे वाटर फ्लो हो वैसा ही करना है, मतलब इस दो बार को वाटर लॉक करना है। तो मैंने वाटर ले जा चुका हूँ, अब वाटर जाके बस प्लेस करना है, ठीक है, देखते हैं वाटर कैसा लगता है, तभी फाउंटेन जैसा फीलिंग आएगा ना, इसीलिए मैंने वाटर लॉक किया है हर जगह को। सो गाइस, मुझे इसका पहले वाला लुक पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने साइड पे एक स्टेयर केस ब्लॉक कर दिया, मतलब स्टेयर जैसा सिस्टम कर दिया, ताकि ये स्टेयर मतलब ये साइड से थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डार्क ओक चाहिए होगा, तो हमने थोड़ा डार्क ओक माइंड कर लिया। और ये देखो, ये जो सिस्टम है ऐसा मेरा लेंथ था, मतलब ये देखो, ये वाटर फ्लो कितना सुंदर लग रहा है, जैसे एक मंदिर से जा रहा हुआ, मतलब आपने शिव जी के सिर से गंगा निकलते हुए देखा होगा ना, बिल्कुल वैसा ही। और गाइस, मैंने कंप्लीट कर लिया ये स्टेयर बाइंडिंग, मतलब स्टेयर को जोड़ना, और इसके बाद हमारा देखो कैसा लगता है लुक्स, थोड़ा देखो कूल, वाओ बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन कुछ एक चीज़ की कमी लग रहा है मुझे, मतलब एक ना एक कुछ चीज़ तो कमी है, क्या है, रुक जा मुझे, हाँ रुक जाओ, मुझे एक आइडिया है, रुक जाओ, अब बेहतर लग रहा है, मगर फिर भी किसी चीज़ की कमी अभी भी मुझे लग रही है। जगह तो थोड़ी बेहतर लग रहा है पहले से, मगर एक चीज़ की कमी फिर से मुझे लग रही है, कुछ एक चीज़, रुक जाओ मुझे कुछ और एक ट्राई, छोटी सी चीज़ ट्राई करने दो, फिर देखते हैं। सो मैं मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ, चलो आप देखते हैं। हाँ अब लग रहा है ना धांसू, ऐसा ही तो चाहिए था मुझे, लग रहा है ना कूल, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे ख्याल से, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, और दोनों तरीके से। ओ अब बस थोड़े से सैंड मेल्ट करना है, ग्लास पेड़ बनाना है, और बस खिड़कियों में लगा देना है, और इसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा फाउंटेनिंग विच हट, या फिर मंदिर भी कह सकते हो। अगर मैं से ये क्वार्ट्स से बनाता तो मैं मंदिर ही कहता, मगर मेरे पास अभी क्वार्ट्स नहीं है। सो एक प्लेयर है बैड ब्लड नाम 991 नाम का, सो उनको हमने थोड़ा डायमंड गिफ्ट किया था पहले, क्योंकि उनका बेस डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, और उनसे इंस्पायर हुआ था मेरा थोड़ा ये बेस डिज़ाइन का आइडिया। सो उन्होंने मुझे पूछा था कि
मतलब मैंने उनसे पूछा था कि किसी उनके पास सिल्क टच है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि हाँ उनके पास एक सिल्क टच बुक है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ओड्स हैं जो कि मैं उधर छोड़ के नहीं आना चाहता, मैं उसके अपने पास ऑप्टेन करके रखना चाहता हूँ। कि फॉर्चून का ही पूछा था, अगर फॉर्चून किसी के पास नहीं मिला तो सिल्क टच ही फिलहाल के लिए रख लिया। तो उनको इधर बुलाया हूँ, तो उनको आने दो, तब तक उनको आने दो, तब तक के लिए मैं रिकॉर्ड ऑफ करता हूँ। और ये वो आ चुके, तो उनको मैं पहले बता दूं कि मुझे मैंने उनको क्यों बुलाया। आई कॉल यू हेयर बिकॉज आई नीड अ सिल्क टच पिकैक्स फॉर वन टाइम यूज, मतलब मैं उनका सिल्क टच पिकैक्स बोरो करना चाहता हूँ। और ये ब्रो, हे ब्रो आर यू ओके? हाँ मैं ओके हूँ या सो हमने उनसे बात की, मतलब सारा बात दिखाता था तो ज़्यादा जगह लगती, तो हमने उनसे बात की और उन्होंने 5 डायमंड्स के लिए मुझे सिल्क टच देना चाहा और मैंने दे दी पहले। मगर मैंने जब ही उन्हें बताया कि मैंने उनके घर में डायमंड छोड़ के आया था, तभी उन्होंने मुझे मेरा डायमंड वापस दे दिया था। मगर मैंने फिर भी उसे 3 डायमंड्स दे दिए, क्योंकि देखो मैंने उनको गिफ्ट किया था, वापस लेने के लिए तो नहीं ना। तो ये सिल्क टच में ये सिल्क टच उसकी मेहनत है, सो मुझे सिल्क टच की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने डायमंड्स के बदले ही दे दिया। सो और मैंने उनसे एक्सीडेंटली मेरा पिकैक्स भी दे दिया था, तो वो भी वापस मांग रहा था। सो चलो अब उनसे थोड़ा बात करते हैं और उसके बाद लेते हैं, ठीक है? और ये हर चैट, ये अगर डिस्कॉर्ड में बात होती तो मैं दिखा पाता, क्योंकि ये जल्दी हो जाता, मगर इधर ये सब टाइप करके दिखाना तो बहुत ही मुश्किल होगा ना, थोड़ी जगह भी ले लेगा और आपका वक्त भी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो मैं सारा चैट शायद दिखा भी ना पाऊँ, तो जब भी चैट फेस टू फेस होगा तभी दिखाना पॉसिबल होगा, वरना दिखाना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल होगा। सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है? तो मैं इधर जंप कट कर दूंगा, ओके? और ये मुझे बार बार ये बाकी के 2 डायमंड्स भी देना चाहते थे, ठीक है? चलो अब हमारा पिकैक्स को इंचेंट भी कर लेते हैं। तो चलो अब इंचेंट भी लगाते हैं बैट सिल्की पे, और हमारे पास फिलहाल के लिए सिल्क टच पिकैक्स आ चुका है, जो कि बहुत ही काम का है। और मिस्टर ग्रीन, मतलब मैंने मिस्टर ग्रीन को एक गिफ्ट दिया था, कुछ नेदर रैक्स और कुछ मैग्मा क्यूब्स और कुछ डायमंड्स भी, और उन्हें वो शायद पसंद आया है, तो उन्होंने थैंक यू लिख लिया। मतलब पहले प्रैंक किया था, उनके मेल बॉक्स में ये देख आया और उनको एक्चुअल गिफ्ट उनके चेस्ट में छोड़ के आया, सो वो शायद उसी के लिए मैं मुझे कह रहा है कि आई अप्रिशिएट इट। मगर मेरे पास और भी कुछ है, मैंने उनको बोला है शायद ही वो आए, मगर नहीं भी आते कोई बात नहीं, उनका वो बिजी आदमी है तो उनको उनकी मर्जी। और वैसे भी ये बेस मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे देख ही रहे हो कि ग्लास के साथ ये मतलब इसका टेक्सचर ही चेंज हो चुका है। ये क्या, मैंने गलती से ग्लास ब्रेक कर दिया, ठीक है बाद में लगा दूंगा। मगर ये देखो ग्लास के साथ इसका जगह भी लुक भी चेंज हो चुका है बिल्कुल, मतलब पूरा डिफरेंट ही लग रहा है ना, मतलब सच में कूल लग रहा है। तो चलो अब माइंस पे चलते हैं और जाके कुछ माइन करते हैं, ताकि मतलब हमारा अच्छा सा गियर और भी आ जाए। मतलब हमें जितना, मतलब मेरा प्लान है जितना ज़्यादा हो सके डायमंड्स कलेक्ट करना, और इस वाले वर्जन में तो डायमंड कोई बात ही नहीं है, और मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही डायमंड है। तो अगर मैं ज़्यादा आगे भी बढ़ूँ लगता है मुझे और भी डायमंड मिलेगा, और ये रहे एक हीरो ब्रांड का झुंड जिनसे मुझे शायद मुकाबला करना पड़े, और ये आ भी रहे हैं मेरी तरफ। तो चलो इनको थोड़ा मार लेते हैं और मारने के बाद मिलते हैं। सो गाइस हमने इधर माइंस पे आ भी चुके हैं, और इधर भी हमें ज़ॉम्बी अटैक कर रहे थे। और गाइस तो हमने फाइनली पहला वेन आपको दिखा दिया हमारे माइंस का, जो कि एक 8 वेन है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वेन्स है, मगर पहला वेन से आप देख लो कि कितना लकी है हम, और हमें पहले से ही कितना ज़्यादा और भी ज़ॉम्बीज, मतलब केस में ज़्यादा ज़ॉम्बी। हाँ इधर बहुत ज़ॉम्बीज भी है, मगर साथ में अच्छा वेन्स भी है, मतलब इधर सोना भी है और होना भी है, तो हमें आना भी ध्यान से पड़ेगा, मगर आ गए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तो मैं चलता हूँ घर पे जाके और घर पे इसको स्टोर करता हूँ। सो गाइस वीडियो इतने तक ही था, इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर लिया, एक स्टार्टर बेस बनाया,
फुल्ली डायमंड टूल्स ऑप्टेन किए, मतलब फुल डायमंड गियर पे आ चुके हैं अब हम। और एटलीस्ट हमारा एक टूल अब एंचेंट भी तो हो चुका है, जो कि काम का एंचेंटमेंट है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते भी रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके बिल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये घर सच में बहुत ही पसंद है। और अब चलो मैं वीडियो को एडिट करने बैठता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आप सभी के पास पहुँचा भी सकूँ, बहुत काम है।